Good morning, dear students. Today we are going to study what is a palindrome and what are express and what is pyramid. Palindrome, it is a solid made of polygonal faces. वो सॉलिड फिगर जिसके सभी फेसेस एक पॉलीगन की शेप में हैं। और पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, जैसे ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रापीजियम, ये सब आपके पॉलीगन हैं बिकॉज दे आर ऑल मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। These faces meet at edges, which are line segments, and the edges meet at vertices. जहाँ दो faces मिलते हैं वहाँ एक line segment बन जाती है, और जहाँ जिन्हें हम edges कहते हैं, और जहाँ different edges मिलती हैं उन point को, वो एक point होता है, उस point को हम vertex कहते हैं। जैसे आपने अपना रूम देखिए, रूम की जो सरफेसेस हैं वो एक फेस होता है, चाहे वो स्क्वायर की शेप में हो या रेक्टेंगल की शेप में हो। और जहाँ दो फेसेस मिलते हैं, ये इसके फेसेस हो गए, ये फेस है, ये नीचे वाला फेस है, सामने वाला फेस है, साइड फेस है, टॉप फेस, और ये बैक फेस। जहाँ दो फेसेस मिल रहे हैं, देखिए ये फेस है, ये फेस है, जहाँ ये मिल रहे हैं तो आपके वहाँ एक लाइन मिल रही है आपको, दैट दिस इज कॉल्ड एज। इसी तरह से टॉप वाला फेस और ये साइड वाला फेस, राइट साइड वाला फेस मिल रहा है, वहाँ एक एज बन गई। इसी तरह से टॉप वाला और ये फ्रंट वाला फेस मिल रहा है, वहाँ एक एज बन गई आपकी। तो जहाँ भी दो फेसेस मिल रहे हैं, जैसे ये दो फेसेस मिले, वहाँ एक आपको लाइन सेगमेंट मिली जिसे हम एज कहते हैं, ये एक दूसरी एज। और जहाँ तीन एजेस मिल रही हैं, जैसे एक ये एज, एक ये एज और एक ये एज, तीनों एजेस जहाँ मिल रही हैं वहाँ एक पॉइंट मिल रहा है आपको जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं। दिस इज फेस, दिस इज एज एंड दिस इज वर्टेक्स। ये वर्टेक्स है, ये पॉइंट वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। इसी तरह से ये, ये, ये और ये हमारे पॉइंट्स जो हैं, ये हमारे वर्टिसेस हैं, ये हमारी एजेस हैं, ये चार एजेस ऊपर, चार एजेस नीचे, और दो ये और दो ये एजेस, टोटल 12 एजेस हैं, 8 वर्टिसेस और 6 फेसेस। साइड वाले चारों साइड्स का फेसेस, एक ऊपर का फेस और एक नीचे का, टोटल 6 फेसेस हैं क्यूब में, या क्यूबाइड में भी 6 सेम नंबर ऑफ फेसेस, एजेस और वर्टिसेस होंगे। ये भी हमारा एक पॉलीहेड्रन है, ये क्यूबाइड है, ये भी हमारा एक पॉलीहेड्रन है, सारे फेसेस हमारे पॉलीगनल हैं, और ये भी एक पॉलीहेड्रन है, इसमें भी सब फेसेस हमारे पॉलीगन हैं, लाइन सेगमेंट से बने हैं सभी फेसेस। ये हमारा पॉलीगन नहीं है, सिलेंडर भी पॉलीगन नहीं है, कोन भी पॉलीगन नहीं है, क्योंकि सभी फेसेस पॉलीगन से नहीं बने हैं। ये जैसे इसका टॉप फेस है वो एक सर्कुलर है, इसी तरह से कोन में बॉटम फेस सर्कुलर है, तो ये दी शेप्स दे आर नॉट पॉलीगोनल, दीज आर नॉट हैविंग पॉलीगोनल फेसेस, सो दीज आर नॉट पॉलीहेड्रन। नाउ व्हाट इज रेगुलर पॉलीहेड्रन? A polyhedron is said to be regular if its faces, they are made of regular polygon and the same number of faces meet at each vertex. किसी भी polyhedron को हम regular तब कहेंगे जब उसके हर face regular polygon हो। Regular means having all the sides they are and all the angles they are equal. And at each vertex द सेम नंबर ऑफ फेसेस शुड मीट, हर वर्टेक्स पे
सेम नंबर ऑफ फेसेस अगर मिल रहे हैं, जैसे ये जो हमारा पॉलीहेड्रन है ये रेगुलर है क्योंकि ये हमारा क्यूब है, तो इसमें सारी डायमेंशंस इक्वल होती हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो इसकी वजह से क्या है सब फेस, ये भी एक स्क्वायर फेस होगा, ये भी स्क्वायर फेस है, ऊपर वाला भी, साइड वाला भी, सारे फेसेस स्क्वायर होंगे, तो इसका अंदर वो एक रेगुलर पॉलीगन है, हर फेस रेगुलर पॉलीगन है, इसलिए ये रेगुलर पॉलीहेड्रन है। एंड हर वर्टेक्स पे सेम नंबर ऑफ फेसेस मिल रहे हैं, जैसे ये वर्टेक्स लिया तो तीन फेस मिल रहे हैं इसमें, ये तीन, ये वाला वर्टेक्स लेंगे तो इसमें भी तीन फेसेस मिल रहे हैं, वो टॉप फ्रंट एंड दिस लेफ्ट साइड का फेस, तो हर वर्टेक्स पे तीन तीन फेसेस मिल रहे हैं, इसलिए ये एक रेगुलर पॉलीहेड्रन है। ये हमारा रेगुलर पॉलीहेड्रन नहीं है, इसमें सारी साइड्स तो इक्वल हैं, यहाँ पर सारे फेसेस रेगुलर पॉलीगन हैं, लेकिन हर वर्टेक्स पे सेम नंबर ऑफ फेसेस नहीं मिल रहे हैं। जैसे पॉइंट ए पे तीन फेसेस मिल रहे हैं, एक ये फेस और ये वाला फेस और एक बैक वाला फेस, लेकिन बी पॉइंट पे हमारे चार वर्टेक्स फेसेस मिल रहे हैं, एक ये फेस, एक ये फेस, एक ये वाला और एक ये ऊपर वाला फेस, तो इसलिए ये रेगुलर पॉलीहेड्रन नहीं है। नाउ व्हाट इज़ अ प्रिज्म? Prism is a polyhedron whose base and top are congruent polygons. वो polyhedron जिसके base और top congruent हो मतलब same shape और same size के हों, और बाकी जो faces हैं उसकी जो lateral faces हैं side वाले faces हैं वो parallelogram हों। Parallelogram में rectangle भी हो सकता है क्योंकि rectangle is also a special parallelogram। जैसे आपका मैच बॉक्स जो है वो एक प्रिज्म का एग्जांपल है, या आपका डाइस जो है दैट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ प्रिज्म, क्योंकि उसमें बेस और टॉप सेम शेप और साइज का होता है, जैसे नीचे है वैसे ही ऊपर है, और लेटरल फेसेस भी हमारे सब पैरेललोग्राम हैं, वो यहाँ पर रेक्टेंगल हो, अगर आपके पास क्यूबॉइड है तो ये रेक्टेंगल होंगे और क्यूब है तो ये स्क्वायर होंगे, तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ प्रिज्म। ये भी हमारा प्रिज्म है, इसमें बेस भी ट्रायंगुलर है, टॉप भी ट्रायंगुलर है, और दोनों सेम शेप और साइज के हैं, और साइड फेसेस हमारे ये रेक्टेंगल हैं सब, तो इसीलिए ये भी एक प्रिज्म है। नाउ पिरामिड, पिरामिड इज अ पॉलीहेड्रन हुज बेस इज अ पॉलीगन ऑफ एनी नंबर ऑफ साइड्स एंड हुज लेटरल फेसेस दे आर ट्राइंगल्स विद अ कॉमन वर्टेक्स। इफ यू जॉइन ऑल द कॉर्नर्स ऑफ अ पॉलीगन टू अ पॉइंट नॉट इन इट्स प्लेन यू गेट अ मॉडल फॉर पिरामिड। पिरामिड वो पॉलीहेड्रन है जिसका बेस किसी भी एक पॉलीगन की शेप में हो सकता है, वो ट्राइंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, पैंटागन भी हो सकता है, और जिसकी लेटरल फेसेस सब ट्रायंगल होंगे। बेस किसी भी शेप का हो सकता है लेकिन लेटरल फेसेस सारे ट्रायंगल होंगे जो कि एक पॉइंट पर मिलते होंगे। ये हमने ये लिया है ट्रायंगल लेटरल फेसेस और वो एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। यहाँ पर हमने स्क्वायर बेस लिया है और इस केस में हमने ट्रायंगुलर बेस लिया है, मतलब बेस आपका किसी भी शेप का हो सकता है लेकिन जो साइड फेसेस हैं वो ट्रायंगल की शेप में होंगे और सारे ट्रायंगल्स एक पॉइंट पर जाके मिलेंगे जो कि उस प्लेन में नहीं होंगे। नाउ प्रिज्म और पिरामिड इज नेम्ड आफ्टर इट्स बेस। किसी भी प्रिज्म या पिरामिड का जो नाम है वो उसके बेस के नाम के अकॉर्डिंग होता है। अगर बेस ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर प्रिज्म या ट्रायंगुलर पिरामिड कहलाएगा, बेस स्क्वायर है तो स्क्वायर प्रिज्म या स्क्वायर पिरामिड कहलाएगा, पेंटागन है तो पेंटागनल प्रिज्म या पेंटागनल पिरामिड कहलाएगा, अगर हेक्सागन है बेस तो हेक्सागनल प्रिज्म कहलाएगा। नाउ फॉर द पॉलीहेड्रन, फॉर एनी पॉलीहेड्रन वी हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ इट्स फेसेस वर्टिसेस एंड एजेस एंड दैट इज गिवन बाय यूलर्स फॉर्मूला दैट इज एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू टू।
ये रिलेशनशिप आपको ध्यान रखनी है, फेसेस वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस। चलिए इसको हम चेक करते हैं अपने क्यूबॉइड के लिए और ट्रायंगुलर पिरामिड के लिए। अभी हमने यहाँ पर एक क्यूबॉइड दिया है, इसमें कितने फेसेस हैं? छह, चार साइड वाले फेसेस, एक टॉप और एक बॉटम का फेस, तो नंबर ऑफ फेसेस छह हैं। वर्टिसेस कितने हैं? एक, चार कोने ऊपर और चार कोने नीचे, मतलब आठ वर्टिसेस हो गए। तो f plus v मीन्स 6 plus 8, 14 आ गया। अब हम e plus 2 निकाल लेते हैं, एजेस कितने हैं? एजेस इसमें 12 हैं, चार ऊपर की एजेस, चार नीचे की एजेस, दो लेफ्ट साइड की एजेस और दो ये राइट साइड की एजेस, तो टोटल 12 एजेस हैं। तो इसके के अकॉर्डिंगली यहाँ पर f प्लस वी हमारा 14 आया और e प्लस टू भी 14 हो गया, e 12 था प्लस 2 14। तो यूलर फार्मूले से यही हमें रिलेशनशिप मिल रहा है कि f प्लस वी शुड बी इक्वल टू e प्लस 2, और जो हमने यहाँ क्यूबॉइड के लिए वेरीफाई किया। अब ट्रायंगुलर पिरामिड के लिए देखते हैं, ये हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड है। ट्रायंगुलर पिरामिड में कितने फेसेस हो गए? तीन तो साइड वाले फेसेस और एक बेस, तो चार फेसेस हैं इसके। वर्टिसेस कितने हैं इसमें? चार ही वर्टेक्स हैं, एक दो तीन और एक ये ऊपर, तो एफ प्लस वी हो गया हमारे पास 4 plus 4, दैट इज 8। अब इसकी एजेस काउंट करेंगे, कितनी एजेस हैं? एजेस यहाँ पर तीन एजेस तो नीचे होगी क्योंकि ट्राइंगल है, तो तीन साइड्स हो गई और हर वर्टेक्स से एक ऊपर लाइन जा रही है, तो एक दो तीन, तीन साइड्स ऊपर हैं, टोटल छह साइड्स हो गए। तो हमारे पास एफ प्लस बी 8 आया और ई प्लस टू भी 8 हो जाएगा, 6 plus 2 8। तो हमने प्रूफ कर दिया कि एफ प्लस बी इज इक्वल टू ई प्लस टू, यहाँ से f प्लस बी इक्वल टू ई प्लस टू। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।